गाइज कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं बालू शाही। तो उसके लिए मैंने 1 किलो मैदा लिया है, 1 किलो चीनी ली है, 100 ग्राम दही लिया है, 100 ग्राम सूजी। सूजी को ना हमको बारीक लेना है। उसके बाद अब हम ये सारी चीजें मिक्स करने जा रहे हैं। तो मैदे में थोड़ा सा जगह बीच में बनाएंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे हम दही। दही इसलिए डालेंगे पहले क्योंकि हमको अपना जो बेकिंग सोडा डाला है उसको एक्टिव करना है। ये सूजी भी अभी ऐड कर देंगे। अब ये देखिए गाइस, सूजी को हमने मिला दिया है। अब इसमें डालेंगे हम ये बेकिंग सोडा। अब ये देखिए, बेकिंग सोडा हमारा इसमें डालने के बाद ये कितने आसानी से एक्टिव हो गया। ये अगर एक्टिव नहीं करेंगे ना तो आपका बालूशाही प्रॉपर तरीके से फूल नहीं पाएगा। ये देखिए गाइस, कितना बढ़िया खमीर उठ के आया है। अब इनको मिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे हम मोहन, और मोहन गाइस हमें तब तक डालना है जब तक कि हमारा मैदा जो है ना एक लड्डू के शेप में ना बनने लगे हाथों में। जब तक मोहन लगाइएगा जब तक कि हाथों में आपके लड्डू ना आने लगे। ये देखिए गाइस, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा लड्डू बन के तैयार हो रहा है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के केवल हमको मैदे को ज्वाइंट करना है। मैदे को आटे की तरह नहीं सानना है, केवल ज्वाइंट करने तक ही हमको पानी डालना है। ये देखिए गाइस, बहुत अच्छे तरीके से। अब ये हमको 1 घंटे के लिए ढक के रख देना है। बहुत टाइट है अभी। अब हमारा 1 घंटा हो चुका है लगभग। ये जब तक मैंने शुगर सिरप भी तैयार कर लिया है। अब 1 घंटे बाद इसको उठाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार होगा। छोटे छोटे पोर्शन में इसको हम काटेंगे, हाथों से गोल करके बीच में गड्ढा करते हुए हम बालूशाही का शेप दे लेंगे। ये देखिए, हमारी बालूशाही बनके तैयार हो चुकी है। अब इनको हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और फ्राई करेंगे। ये कढ़ाई में तेल गरम किया है। अब इनको हमको डालना है, जो हम बीच में गड्ढा करते हैं उसकी साइड से आपको डालना है। इसका बहुत ध्यान रखना है गाइज आपको। ये देखिए, अब ये फूल के अपने आप ऊपर आने लगी हैं। और आपको आँच ना बिल्कुल स्लो रखनी है, तेज मत करिएगा नहीं तो आपकी अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ये देखिए गाइज, अपने आप ये पलट रही हैं। तो गाइज आज बहुत मेहनत की है, 1 घंटा करीब लगाए। तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। शुगर सिरप भी तैयार हो गया है, थोड़ा सा हमने कलर डाला है। और चाशनी को ना गाइज हल्का सा, अगर आप रसीली बना रहे हैं मतलब आपको शक्कर ऊपर नहीं करनी है तो थोड़ा सा पतला रखिएगा। ये देखिए, बहुत अच्छी सिक चुकी है हमारी, हल्की हो गई है। अब इनको हम ये चाशनी में डाल देंगे। अब ये गाइस चाशनी में हम करीबन आधा घंटा डालेंगे। आधे घंटे बाद इसको हम निकाल के रख लेंगे। इसी तरह सारी बालूशाही सेक के मैं चाशनी में डुबो डुबो के इनको रख दूंगी। आधे घंटे बाद जब ये ठंडी हो जाएंगी ना तब देखिएगा। ये देखिए गाइस, अच्छी फूल चुकी है, इनके अंदर भी बहुत अच्छे से चाशनी हमारी भर चुकी है। ये देखिए, एक हाथ से ही टूट रही है क्योंकि आज कैमरा मैन नहीं था ना, खुद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।